एवरीवन, दिस इज अदिति। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। के अंदर आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ आर्ट सप्लाइजेस जो कि मैं खुद से DIY करने वाली हूँ, और वो भी बहुत से लो बजट के। आज के इस वीडियो में हम DIY करने वाले हैं चॉक पेंट, DIY क्ले, वॉल पुट्टी पेस्ट, जैसो और सबसे इम्पॉर्टेंट वॉल पुट्टी कोन। सारी चीज़ें हम बनाएंगे इस वॉल पुट्टी से। सबसे पहले हम DIY करेंगे वॉल पुट्टी पेस्ट। ये सिर्फ हम 10-20 रुपीस में करेंगे। वॉल पुट्टी पेस्ट का आप मार्केट प्राइस देख सकते हैं, 1 kg आपको 400 रुपीस का पड़ेगा। मैं इसको सिर्फ 10-20 रुपीस के अंदर DIY करूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वीडियो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का मेन इंग्रेडिएंट है ये हमारा वॉल पुट्टी पाउडर। 10-20 रुपीस पर kg आपको किसी भी पेंट वाली शॉप पे मिल जाएगा। आप में से बहुत कम लोग होंगे जो वॉल पुट्टी के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ वॉल पुट्टी ही छाई हुई है अभी। इसके हमारी इस वीडियो की सेकंड मेन इंग्रेडिएंट है हमारी ये फेविकॉल। हमें इन दोनों को 2:1 रेशो के अंदर मिक्स करना है, कि अगर हम 2 स्पून वॉल पुट्टी की ले रहे हैं तो उसकी जगह पे हमें 1 स्पून फेविकॉल की लेनी होगी। दोनों के अंदर हमें जो है वाटर को धीरे धीरे करके ऐड करते जाना है। याद रखियेगा, हमें एक साथ में वाटर ऐड नहीं करना है, धीरे धीरे ऐड करना है। इन दोनों को एक अच्छा सा मिक्स देना है और हमारा DIY वॉल पुट्टी पेस्ट रेडी हो चुका है सिर्फ 5 मिनट के अंदर। वीडियो के अंदर मैं जो भी आर्ट सरप्राइजेस DIY करूंगी उनको मैं आपको यूज करके भी बताऊंगी आप उनसे क्या क्या क्रिएटिव चीजें बना सकते हैं। DIY बेसिकली मैंने अपनी दिवाली DIY सीरीज के अंदर बनाया था, तो जो कि आपने बहुत पसंद किया था। लोग भी इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला DIY मेरा एटलीस्ट 50 रुपीस के अंदर बनके रेडी हो चुका था, और कोई कह भी नहीं सकता कि ये सिर्फ 50 रुपीस के अंदर बनके रेडी हुआ है। आप भी एक आर्ट बिगनर है और ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें बाय नहीं कर सकते हैं, तो आप इस तरह के आइडिया शेयर कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। मूव टू आइडिया नंबर सेकंड। आपसे भी मेरी तरह ये गलती होती है कि आप कोई चीज बनाने जाते हैं और वो थोड़ी एक्सेसिव अमाउंट में ही बन जाती है। ये आइडिया अपना सकते हैं, मैं भी यही ट्राई करती हूँ। और पेस्ट के अंदर हमें कुछ कलर्स को ऐड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड कलर यूज किया है, आप देख सकते हैं। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर यहाँ पे ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे रेड लिया है। इसको इस पेस्ट के साथ में अच्छे से मिक्स कर देना है। ये भी काउंटलेस यूजेस हैं, बहुत तरीके से यूज हो सकता है, जैसे कि कुछ इस तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हम मोजाइक आर्ट कहते हैं, दिखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखता है। आर्टिस्ट होने के नाते हमें कोई भी चीज वेस्ट नहीं करनी है, हमें हर एक चीज का यूज करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पेस्ट की एक भी बूंद वेस्ट नहीं करी है। देखते हैं कि मैंने रेड पेस्ट से मैंने कितने सारे शेड्स दिए हैं, उसमें अलग अलग कलर को ऐड करके। यू कैन सी दैट कि हमारे ब्यूटीफुल से वॉल हैंगिंग बनके रेडी हो चुके हैं। ये आइडिया कैसा लगा? नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं वॉल पुट्टी कोन, के मार्केट में कुछ इस तरह के प्राइजेस हैं। इसको बनाने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे अपने घर पे ही पड़ी ऐसी पॉलिथिन को ले लेना है। पॉलिथिन को कुछ इस तरीके से रोल कर लेंगे और एक कोन की शेप दे देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे और सेलो टेप की मदद से इसको अच्छे से सिक्योर कर देंगे। टेप से इसको अच्छे से पूरा ओवरऑल कवर कर देना है, कोई भी गैप हमें छोड़ने नहीं है, और ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। फॉर दैट हमें सेम प्रोसेस को फॉलो करके कुछ इस तरीके का पेस्ट बना लेना है। पेस्ट का पहले वाले पेस्ट से थोड़ा सा अलग टेक्सचर होगा, कुछ इस तरीके का इसका टेक्सचर होना चाहिए। उसके बाद जो कोन हमने बनाया था उसके अंदर इसको अच्छे से फिल कर देना है। आप इस कोन को व्हाइट कलर में नहीं, आप किसी भी कलर के अंदर इसको बना सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। इसको फिल करते ही हम कुछ इस तरीके से इसको बंद कर देंगे। सेलो टेप की हेल्प से इसको अच्छे से सिक्योर कर देंगे ताकि हमारा पेस्ट बाहर ना निकले। देखिए, हमारा DIY कोन बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको मैं ट्राई करके बताती हूँ। इसको मैं ट्राई करने वाली हूँ इस फोन बॉक्स के ऊपर। कोन से आप बेसिकली कोई भी टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मेहंदी पैटर्न बनाया है इसके ऊपर। आप खुद देख सकते हैं कि बेसिक से दिखने वाले बॉक्स को इसने कितना रॉयल लुक दे दिया है इतने कम बजट के अंदर। बिगिनर आर्टिस्ट, अब आपको कोई भी एक्सपेंसिव आर्ट मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम DIY करने वाले हैं क्ले। मार्केट प्राइस कुछ इस तरीके के हैं। इसको सिर्फ DIY करेंगे 10 रुपीज के अंदर। बनाने के लिए अगेन हमें चाहिएगा वॉल पुट्टी पेस्ट, ये टेलकम पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, वरना कोई जरूरी भी नहीं है। थोड़ा सा व्हाइट कलर ऐड करना है, बाद कुछ फेविकॉल, बाद हमें इसके अंदर वाटर को ऐड करना है। हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, वाटर को हमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आटा लगाते हैं। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है कि पेस्ट हमारे हाथों के ऊपर स्टिक ना हो। ऑयल को अच्छे से पाम पे रब कर लेना है और उसके बाद में इस पेस्ट को हल्के हाथों से नीट करना है। प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम आटा गूंथते हैं। जैसे हम इसको नीट करते जाएंगे वैसे वैसे ये क्ले के फॉर्म में बनता जाएगा। देख सकते हैं कि ये हमारी क्ले बनके रेडी हो चुकी है, बिल्कुल सेम रेडीमेड क्ले जैसी थी। इसके बाद इस क्ले को हमें एक गीले क्लोथ के अंदर रैप करके रख देना है। होगा ये कि हमारी क्ले सूखेगी नहीं, ना हमें चाहिए उतना हम इसके अंदर से ले लेंगे और उसके बाद में फिर
से इसको रैप करके इसके अंदर रख देंगे। ये क्ले इतनी अच्छी होती है कि आप मार्केट की क्ले और होममेड क्ले में डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सी क्ले है। अगर आप एक आर्टिस्ट है तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हम क्ले को किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो अनकाउंटेबल यूजेस हैं। अगर आप एक आर्टिस्ट है और आपको भी क्ले आर्ट करना बहुत पसंद है तो आप भी अपनी DIY क्ले बना सकते हैं बहुत ही कम से कम बजट के अंदर। ये थी हमारी प्रोसेस DIY क्ले की। तो अब नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं DIY जैसो। जैसो का यूज हम एज अ प्राइमर कोट की तरह करते हैं। अभी हम किसी भी वुड सरफेस या आयरन की सरफेस पे पेंट करते हैं तो सबसे पहली लेयर हमें जैसो की लगानी पड़ती है। इससे तो आप जान गए होंगे कि जैसो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें चाहिए कि हमारी मेन इंग्रेडिएंट यानी कि वॉल पुट्टी, इसको हमें स्टेनर से स्टेन कर लेना है क्योंकि हमें इसके अंदर बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स चाहिए वॉल पुट्टी के। अगर आप जैसो बनाए तो उसको कुछ इस तरह के कंटेनर में बनाना जिसके ऊपर लिड हो, कि आप उसे कवर करके रखें जिससे वो सूखे ना। सेम पीछे वाले प्रोसेस को फॉलो करना है। वॉल पुट्टी फेविकॉल और थोड़े से क्रैली कलर को मिक्स करेंगे क्योंकि मैं ये व्हाइट कलर का जैसो बना रही हूँ जिसके लिए मैंने व्हाइट कलर का यूज किया है। आप चाहे तो कोई भी कलर का यूज कर सकते हैं। एंड पानी को कर देंगे ऐड और हमारा DIY जैसो बनके रेडी हो जाएगा इन जस्ट 5 मिनट्स। सारे DIY आइडियाज आपको कैसे लग रहे हैं मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। लोग देख सकते हैं कि ये कितना स्मूथली कवर कर रहा है सरफेस को बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट DIY तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेट्स DIY चॉक पेंट्स। मेरे पास कुछ ये वेस्ट एक्रेलिक बॉटल्स रखी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं के अंदर कलर को बनाया जाए। मैंने इनको हॉट वाटर से अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो ये हैक मैंने यूट्यूब पे देखा था तो मुझे ट्राई भी करना था और सच्ची में ये हैक वर्क करता है और वो भी बहुत अच्छे से, आप देख सकते हैं। चॉक पेंट बनाने के लिए हमें अपने सबसे पहले वॉल पुट्टी के पाउडर को अच्छे से स्टेन कर लेना है ताकि हमारा जो पाउडर हो बिल्कुल फाइन हो। चॉक पेंट्स को बनाने के लिए हमें सिर्फ वॉल पुट्टी चाहिएगा और चाहिएगा वाटर। तो हमें सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर वॉल पुट्टी और वाटर का ही बनाना है। इसके अंदर हमें कोई भी फेविकॉल या फिर कलर का यूज नहीं करना है। इसका जो टेक्सचर होगा कुछ इस तरीके का होगा, यानी कि हमें थोड़ा रनी टेक्सचर बनाना है। बाद बने हुए पेस्ट को 1 by 1 हम इस बॉटल के अंदर डाल देंगे। बाद हम मेरे पास ये वाटर कलर वेस्ट पड़े हुए थे तो मैंने यही यूज किया है। अगर आपके पास वैसे कोई बचे हुए वाटर कलर है तो आप उनका यूज कर सकते हैं। आपके पास में ये कलर्स नहीं है तो आप बाय कर लीजिएगा क्योंकि ये कम से कम 20 रुपीज के अंदर आपको मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पे पिंक, रेड, ग्रीन, ब्लू, डार्क ग्रीन, येलो सारे कलर के मैंने बना लिए हैं। इनका टेक्सचर ट्रस्ट में बिल्कुल चॉक पेंट जैसा था, आप लोग देख सकते हैं। था हमारा पार्ट सेकंड, तो जल्द ही मैं पार्ट 3 भी लेके आऊंगी। पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा था कि हम बिना ट्राइपॉड के कैसे अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं। अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया तो जल्दी से जाके देख लो मेरे चैनल के ऊपर। जल्द फिर मिलूंगी एक अमेजिंग वीडियो और अमेजिंग आइडियाज के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।